हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 95th, 98th, 99th एंड 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम हमारे 93rd से लेकर 100th तक जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। ये कब आया था? 2003 में। और इसमें क्या किया गया था? 4 न्यू लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। ये 4 न्यू लैंग्वेजेस कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली को। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हम यहां तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ जाता है, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब आया था? 2005 में। इसके बारे में और इससे आगे के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2005 में, और ये इफेक्ट में कब आया था? 20 जनवरी 2006 में। इसमें देखिए क्या कहा गया, प्रोवाइडेड रिजर्वेशन इन एडमिशन इन प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया कि भाई जो भी प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें भी स्टूडेंट्स को क्या दिया जाएगा? रिजर्वेशन दिया जाएगा। किसके स्टूडेंट्स को? जो एससी एसटीज या ओबीसी के स्टूडेंट होंगे उनको क्या दिया जाएगा? रिजर्वेशन। देखिए क्या था, जब ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था, इससे पहले क्या था, केवल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही क्या दिया जाता था? रिजर्वेशन दिया जाता था। लेकिन 93rd के बाद क्या किया जाने लगा? प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी क्या दिया जाने लगा? रिजर्वेशन दिया जाने लगा। किनको? एससी एसटीज और ओबीसी के स्टूडेंट्स को। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006। तो 94th जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो कब आया था? 2006 में। इसमें देखिए क्या कहा गया, एक्सक्लूडेड बिहार फ्रॉम द प्रोविजन टू क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 164। तो देखिए इसमें क्या किया गया, आर्टिकल 164 के क्लॉज 1 में अमेंड किया गया था। देखिए क्या अमेंडमेंट किया गया, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर। इसमें क्या कहा गया है कि भाई एक ट्राइबल वेलफेयर का मिनिस्टर इन चार्ज होगा, हु मे इन एडिशन बी इन चार्ज ऑफ द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस इन बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। तो देखिए, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, इनकी जो ट्राइबल वेलफेयर है यानी कि वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस की, उसमें भी वो क्या होता है? मिनिस्टर इन चार्ज होता है। और वो किसमें, किसका भी मिनिस्टर इन चार्ज होगा? ट्राइबल वेलफेयर का। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। इसमें से क्या किया, जो बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा में होता था, लेकिन इसमें से क्या किया गया, ये अमेंडमेंट करके बिहार को एक्सक्लूड कर दिया गया, बिहार को हटा दिया गया। और बाद में क्या किया गया, देखिए, इट एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 164 टू द न्यूली फॉर्मड स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। और इस अमेंडमेंट ने क्या किया कि जो ये प्रोविजन था ना कि एक मिनिस्टर इन चार्ज होगा, किसका? ट्राइबल वेलफेयर का। ये किस तक एक्सटेंड कर दिया गया? जो नई स्टेट बनाई गई छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, उसमें इसको एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, उसमें भी इनको लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात किसमें कही गई? 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। और 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 2006 में। इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009। तो हमारा जो 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया वो कब आया? 2009 में। और इसमें क्या कहा गया, एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज बाय अनदर 10 ईयर्स। तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि भाई एससीज और एसटीज को जो रिजर्वेशन दी जाती है सीट्स में, किसमें? लोकसभा में, उसको और 10 सालों के लिए बढ़ा दिया जाए। देखिए, ये एक बार पहले भी हुआ था 1999 में, वहां पर 10 सालों के लिए बढ़ाया गया था। इसके बाद 10 सालों के बाद फिर 2009 में क्या किया गया, 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसके आगे देखिए क्या कहता है, द टाइम पीरियड ऑफ 60 इयर्स। अब जो टाइम पीरियड था 60 इयर्स का, कब से लेकर, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब से लेकर जो ये टाइम पीरियड था कि भाई 60 सालों तक ये रिजर्वेशन दिया जाएगा, अब उस रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया गया। कब तक? अंडर
आर्टिकल 334। तो जो ये टाइम पीरियड था 60 इयर्स का, ये किस में दिया गया था? अंडर आर्टिकल 334 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू लैप्स। ये लैप्स हो गया कि भाई ये 60 सालों तक रहेगा ऑन जनवरी 25, 2010। इसके बाद देखिए क्या किया, थ्रू दिस अमेंडमेंट इन आर्टिकल 334। तो कौन से आर्टिकल में अमेंड किया गया? आर्टिकल 334। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भाई 334 आर्टिकल में अमेंडमेंट कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया? तो कौन से के द्वारा? 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। द वर्ड 60 ईयर्स, इसके बाद क्या किया गया कि भाई जो ये 60 ईयर वर्ड था ना, इसको हटा दिया और ये कहां पर लगा दिया गया, क्या लगा दिया इसकी जगह पे? 70 ईयर्स, कि भाई जो अब ये रिजर्वेशन दिया जाएगा ये कब तक? कि भाई ये 70 सालों तक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात किसने कही गई थी? 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012। तो 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 2012 में आया। और इसको एसेंट, डीओए का मतलब देखिए क्या है, डेट ऑफ एसेंट। इसको एसेंट, इसका प्रेसिडेंट का एसेंट इसको कब मिला था? 1 जनवरी 2013 को। आया कब था? 2012 में। एसेंट कब मिला? 2013 में। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 371J, एक नया आर्टिकल 371J को जोड़ दिया गया, जिसमें क्या कहा गया, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें कर्नाटका को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए। तो 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए बनाया गया? कर्नाटका को कुछ स्पेशल प्रोविजन देने के लिए। और इसमें कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया? आर्टिकल 371 का जे, ठीक है। इसके बाद देखिए आ जाता है हमारा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। तो जो ये हमारा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ये कब आया? 2014 में। और इसे एसेंट कब दिया गया? 31st दिसंबर 2014 में, ठीक है। इसमें देखिए क्या किया गया, इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल्स, कुछ नए आर्टिकल्स ऐड किए गए। कौन से देखिए, 124A, 124B एंड 124C। तो ये तीन नए आर्टिकल ऐड किए गए और कुछ जो पुराने आर्टिकल्स थे उनमें अमेंडमेंट किया गया। तो कौन से 127, 128, 217, 222, 224A, 231। तो जो ये आर्टिकल थे इनमें क्या किया गया? अमेंडमेंट किया गया। देखिए अमेंडमेंट करके क्या किया गया, द अमेंडमेंट मेक्स द प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो देखिए इस अमेंडमेंट ने क्या किया, प्रोविजन दिया किसके फॉर्मेशन के लिए? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी कि जुडिशरी में जो भी अपॉइंटमेंट्स होगी उनके लिए एक कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या हुआ, 16 स्टेट असेंबलीज आउट ऑफ 29 स्टेट्स, 29 स्टेट्स थी उस टाइम देखिए, उनमें से 16 स्टेट असेंबलीज ने, जिसमें कौन कौन शामिल था देखिए, गोवा, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना एंड त्रिपुरा, इन 16 स्टेट्स में ये भी शामिल थे। इन्होंने क्या किया, रेटिफाई कर दिया जो ये अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसको क्या कर दिया, रेटिफाई कर दिया। रेटिफाइड द सेंट्रल लेजिस्लेशन दैट एनेबल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज एसेंट टू द बिल। जब इन्होंने इसको रेटिफाई कर दिया तो जो प्रेसिडेंट था इंडिया का उसने भी इस बिल पर अपना एसेंट दे दिया। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट ऑन 16 अक्टूबर 2015, लेकिन फिर भी 16 अक्टूबर 2015 को क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट था उसने क्या किया, क्वेश द अमेंडमेंट इन टोटो। उसने क्या किया, जो ये अमेंडमेंट एक्ट था इसको क्या कर दिया, क्वेश कर दिया कि भाई जुडिशरी में कोई भी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नहीं बनाया जाएगा। तो ये किसने क्वेश कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। जो हमारा 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था वो कब आया था, 2015 में। और इसको एसेंट भी कब मिल गया था, 28th May 2015 में। इसमें देखिए क्या कहा गया, अमेंडमेंट इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल था हमारा उसमें अमेंडमेंट किया गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू गिव इफेक्ट टू द एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ द सर्टेन टेरिटरीज टू द बांग्लादेश। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि भाई बांग्लादेश की जो भी टेरिटरी उस टाइम इंडिया के पास थी, इंडिया ने वो बांग्लादेश को दे दी, और बांग्लादेश के पास इंडिया की जो भी टेरिटरी थी वो उसने इंडिया को वापस दे दी, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, इंडिया की टेरिटरी में कुछ चेंजेस हुआ। तो जब इंडिया की टेरिटरी में कुछ भी चेंजेस करते हैं या अमेंडमेंट करते हैं तो वो किसके अंडर आता है, फर्स्ट शेड्यूल में। कि भाई फर्स्ट शेड्यूल में यही बात कही गई है ना कि इंडियन टेरिटरी में जो भी चेंजेस किया जाएगा वो किस में किया जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल से, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई। इसके बाद देखिए एंड कन्फर्मेंट ऑफ सिटीजनशिप राइट्स टू द रेजिडेंट्स ऑफ एनक्लेव कॉन्सिक्वेंट
टू साइनिंग ऑफ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो सिटीजनशिप थी लोगों की, बांग्लादेश की या इंडियंस की, उनको कन्फर्मेंट दे दिया गया, राइट टू रेजिडेंट ऑफ एनक्लेव कॉन्सिक्वेंट टू साइनिंग ऑफ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट LBA। ठीक है, तो जो ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, इस पर भी क्या कर दिए गए, साइन कर दिए गए, एक ट्रीटी हुई थी, ठीक है, दोनों के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो जो ये अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये किससे रिलेटेड था, इंडिया एंड बांग्लादेश की जो भी ट्रीटी हुई थी ना दोनों के बीच में, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ट्रीटी, उसके बीच में साइन हुआ था वो, ये जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये उसी से रिलेटेड था। ठीक है, तो देखिए आज हमने इस वीडियो में हमारा 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा, जिसमें किसके बारे में बात की गई थी, रिजर्वेशन के बारे में, किसकी, SC ST एंड OBC की। उसके बाद हमने 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा, 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा, 98th, 99th एंड 100th। ठीक है, तो देखिए आज आपने 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कंप्लीट कर लिए। तो देखिए इसके बाद हमारे 2-3 ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बच गए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।